डिफरेंस टाइप ऑफ प्रोसेस है, इसमें नेक्स्ट स्टेप है थर्मो फार्मिंग का। अभी ये सब कुछ बता दिया गया है, ब्लो मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, एक्सट्रूजन, कंप्रेशन, थर्मो ट्रांसफ़र और कैलेंडरिंग रोटेशन बता दिया गया। अभी थर्मो फार्मिंग आज पढ़ लेते हैं, थर्मो फार्मिंग के बारे में। और एक बार मैं आप लोगों को और बता दूँ, ये बस बेसिक बताया जा रहा है, इसका प्रोसेस कैसे होता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप अभी इसको नहीं बताया जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे यूनिट्स में बढ़ते जाएंगे, जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये भी स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जानेंगे। फिर से एक्सट्रूजन मोल्डिंग आ जा रहा है, ऐसे ऐसे सभी का स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सब कुछ जानेंगे। ये बस एक बेसिक बता रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल सके आगे जब पढ़ाने पर कि हाँ ये प्रोसेस होता कैसे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज थर्मो फार्मिंग के बारे में जानते हैं। थर्मो फार्मिंग में क्या होता है कि एक पहले तो इसका मतलब ही समझ लेते हैं। थर्मो का मतलब होता है हीट, इसका मतलब होता है हीट, और फार्मिंग का मतलब होता है प्रोसेस करना। ठीक है फ्रेंड, फार्मिंग का मतलब होता है बनाना। ठीक, तो जो हीट से बनता है, जो हीट से बनेगा वो थर्मो फार्मिंग होता है। और इसी में एक और आता है, क्या उसको बोलते हैं, वैक्यूम फार्मिंग। इसमें क्या होता है, जो वैक्यूम के द्वारा जो प्रोसेस होगा, इसके द्वारा जो प्रोसेस होगा उसको वैक्यूम फार्मिंग बोलेंगे। इसका प्रोसेस करके जो आप प्रोडक्शन करेंगे तो इसको वैक्यूम फार्मिंग बोलेंगे। अब थर्मो फार्मिंग में क्या होता है, थर्मो फार्मिंग में यह होता है कि हम एक ये डाई है, ठीक, ऊपर डाई नहीं एक मोल्ड है, ये इसमें ऊपर एक कोर है और नीचे एक कैविटी है। एक कोर है एक कैविटी है। और इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें सीट यूज करते हैं, इसका प्रोसेस करने के लिए सीट यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हम सीट रख देते हैं, ये सीट हो गया। सीट मतलब एक प्लास्टिक का चादर, प्लास्टिक का जो एक चादर टाइप का रहेगा, इसी को सीट बोलते हैं। तो ये एक सीट रख दिए, यहाँ पे एक सीट हो गया। अभी क्या है कि ये हीट रहता है, ये जो मोल्ड है, कोर और कैविटी, ये दोनों हीट रहता है। तो जब हीट रहेगा और उसके बाद से इसको जब प्रेस करेंगे, इसको दबाएंगे, तो ये नीचे तक इसको जब दबाएगा तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसे ये शेप ले लेगा ऐसे। तो इसको हम थर्मो फार्मिंग बोलते हैं, थर्मो फार्मिंग यही होता है। और जो ये वैक्यूम फार्मिंग है, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो सेम यही रहेगा, लेकिन इसमें ये हीट नहीं रहेगा और यहाँ पे एयर का वेंटिंग के लिए स्पेस छोड़ देंगे और इससे एयर को सक करते हैं। एयर को जब खींचा जाएगा तो इसमें वैक्यूम क्रिएट होगा और ये इसका यूज नहीं करते, इसमें मेल पार्ट का यूज नहीं करते, कोर का यूज नहीं करते। बस ऐसे यहाँ पे अगर सीट रख देंगे, ऊपर से बस सीधा सा एक प्लेट से ही दबा देंगे। दबाने के बाद से जब इधर से एयर जब खींचेगा तो ये अपने आप ये नीचे दब जाएगा, जिससे इसका ये शेप ले लेगा, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये वैक्यूम फार्मिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इसका डिस्क्रिप्शन और लिमिटेशन भी देख लेते हैं। थर्मो फार्मिंग डिस्क्रिप्शन, हीट सॉफ्टेंड थर्मोप्लास्टिक सीट इज पोजीशन ओवर मेल और फीमेल मोल्ड, एयर इज इवैक्यूएटेड बिटवीन सीट एंड मोल्ड, फोर्सिंग सीट टू कन्फर्म टू काउंटर ऑफ मोल्ड वेरिएशन आर वैक्यूम स्नैप बैक प्लग असिस्ट ड्रॉप फॉर्मिंग ईटीसी। टूलिंग कार्ट्स आर जनरली लो लार्ज प्रोडक्शन विथ दिस सेक्शन पॉसिबल एंड ऑप्शन कम्स आउट इकोनॉमिकल फॉर लिमिटेड पार्ट प्रोडक्शन। लिमिटेशन क्या होता है, लिमिटेड टू पार्ट ऑफ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन हाई स्क्रैप,
इसमें क्या होता है ना कि स्क्रैप ज़्यादा निकलता है, स्क्रैप इसमें ज़्यादा निकलता है क्योंकि जो बीच में जो दबाता है बस प्रोडक्ट हमारा वही होता है, जो साइड साइड में बच जाता है सब स्क्रैप हो जाता है, तो स्क्रैप ज़्यादा निकलेगा। और लिमिटेड नंबर ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच टू चूज। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।